पूरे दिन के 2 मिनट सिर्फ और 2 मिनट अगर आप अपनी स्किन को दे देते हैं तो आप अपनी स्किन की सैगिंग से छुटकारा पा जाएंगे। स्किन बहुत ज्यादा बूढ़ी हो रही है, बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, 30 में 50 के नजर आ रहे हैं, स्किन यहां से लटकना शुरू हो गई है, पैचेस बन गए हैं, बड़े बड़े पिगमेंट बनती जा रही है, पोर्स की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़े बड़े पोर्स हो गए हैं, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, या फिर स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पैचेस यानी कि डार्क स्पॉट्स वाले वो जो पिंपल वाले पैचेस है वो बन गए, तो सिर्फ आपने एक दिन के 2 मिनट अपनी स्किन को देने हैं और आप देखेंगे आपकी स्किन इतनी बढ़िया से ग्लो कर रही है, ब्राइटन अप हो गई है, कलर फेयर हो गया, बुढ़ापा गायब हो गया है। आपकी स्किन को देख के लोग बोलेंगे वाओ, सिंपली वाओ। करना क्या है, मेरे साथ में मेरी रेमेडीज को करना है, जैसे मेरी स्किन के ऊपर रिजल्ट मुझे मिलता है सेम आपको भी मिलेगा अपनी स्किन के ऊपर अगर आप रेगुलर तौर पे मेरी रेमेडीज को करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंह, फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी जो आपकी स्किन के ऊपर चमत्कार करने वाली है। ऐसा चमत्कार कि आपका कलर 2 से 3 टोन तक फेयर होता हुआ दिखेगा, पड़ोसी पूरा मोहल्ला रुक रुक के मुड़ मुड़ के देखेगा कि भाई क्या कर रहे हो, कौन से सैलून कौन से ब्यूटी पार्लर जा रहे हो जो इतनी बढ़िया स्किन होती जा रही है, इतना ज्यादा कलर फेयर होता जा रहा है। किसी को बताना मत, ये राज ही रखना क्योंकि राज अच्छे रहते हैं, सारी चीजें सबको नहीं बतानी चाहिए, मेरा चैनल बता देना बस इतना कर देना। करना क्या है, करना क्या है, ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। रेमेडी इतनी अच्छी अच्छी बताती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी फैमिली को क्या पसंद आ रहा है। कमेंट करके बताइएगा आखिर आपको मेरी रेमेडीज में क्या पसंद आता है, क्या आज के मेरे कान के बुंदे अच्छे लग रहे हैं आपको, मेरे बहुत दिल था इस तरह का खरीदने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरे ये टॉप्स अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये बताइएगा, कौन सा सिटी कौन सा शहर और मेरी रेमेडीज में क्या अच्छा लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस तरह का एक पत्थर लेना है, ये देखिए अब ये क्या है, ये चमत्कारी पत्थर है जी, और ये पता कितने का मिलता है, चमत्कारी तो है ही, अब लोग सोचेंगे बहुत महंगा होगा, नहीं जी, ये इतना पत्थर आपको मात्र 2 रुपीज में मिलेगा। ऐसा पत्थर है, ऐसा मैजिकल पत्थर है कि आपकी स्किन की A to Z प्रॉब्लम को ये दूर कर सकता है। कलर फेयर करना हो, डार्क स्पॉट्स को हटाना हो, बुढ़ापे से निजात पानी हो, सैगिंग स्किन को टाइट करना है, फर्म करना है, हाइड्रेशन देना है, ऑयली स्किन को ठीक करना है, ये मैजिकल पत्थर काम में आने वाला है। करेंगे क्या, हमने ये पत्थर ले लेना। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है एलम, जो कि हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं फिटकड़ी, ठीक है जी, फिटकड़ी फिटकरी फिटकरी बोलते हैं, फिटकड़ी बोलते हैं, बहुत लोग फिटकड़ी बोलते हैं, कुछ लोग फिटकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉमेंट करिएगा। हमने लेना है इस तरीके से और हमने लेना है साफ पानी, पीने वाला पानी लीजिएगा, नल का पानी मत लीजिएगा, वैसे ही बहुत ज्यादा हार्ड वाटर आ रहा है आजकल, मैं बहुत जगह सुन रही हूँ, तो पीने वाला पानी ले लेंगे और उसमें हम इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ देंगे। क्या करेंगे, डिप करके छोड़ देंगे, इतना सिंपल है। इसके बाद में हमने क्या करना है, इसको हमने अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, टाइम देखना है आपने अप्लाई करने से पहले, इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने अपनी स्किन के ऊपर रब करना है, ठीक है। राउंड राउंड सर्कल में घुमाते 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 आप इसको लगाएंगे, जैसा कि अभी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। मैंने वैसे फिलहाल अपना जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो मैंने लगाया हुआ है, जो कि मैंने ये विटामिन सी की क्रीम बनाई है, ये अगर इसका वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, विटामिन सी की क्रीम है। देख के कोई बोल सकता है कि घर पे बनी हुई विटामिन सी की क्रीम है, कलर फेयर कर देगी, पिगमेंट गायब कर देगी, इतनी बढ़िया क्रीम है। इसको बनाना कैसे है जाके इस वीडियो के ऊपर चेकआउट कर लेना, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है जी। ये मैंने क्रीम लगाया हुआ है अभी सिर्फ और सिर्फ, और हमने करना क्या है, इस तरीके से पानी के साथ में ही हमने इसको ऐसे गीला करते जाना है, सूखा मत लगड़ लेना, ठीक है। और आपने राउंड 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 इस तरीके से इसको रब करना है अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से गीला करेंगे और अपने चेहरे के ऊपर हम इसको रब करेंगे, जहां पर आपकी पिगमेंट है उसके ऊपर इसको थोड़ा सा ज्यादा रब करेंगे, ठीक है। जहां पर पिगमेंट नहीं है वहां पर करने की जरूरत नहीं है, सैग हो रही है स्किन तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा लगाना है इसको, और कितनी देर लगाना है ये देख लेना, टाइम देख के स्टार्ट करना क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको 5 मिनट से ऊपर नहीं रखना है स्किन के ऊपर, नहीं तो आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो जाएगी और फिर ड्राई स्किन बहुत ज्यादा खराब लगती है, ड्राई स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, इसके लिए स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको करने के बाद में 5 मिनट जब आप इसको अच्छे से अपने चेहरे पर रब कर लेंगे, उसके बाद में आपने अपने फेस को सिंपल पानी के साथ में, सिंपल पानी के साथ में, नो फेस वॉश एंड ऑल, जो कुछ नहीं लगाना है, नथिंग, बेसन बूसन कुछ नहीं लगाना है, आपने सिंपल पानी के साथ में अपने चेहरे को वॉश करना है और उसके बाद में कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने के बाद में आपको इतना ज्यादा हाइड्रेशन अपनी स्किन पे लगेगा, स्किन इतनी ज्यादा टाइट और फर्म लगेगी, अपलिफ्ट लगेगी कि आप इसको रोजाना अपने चेहरे पर लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लगाना कितनी देर है? 5 ही मिनट लगाना है। होप करूंगी ये सिंपल सी रेमेडी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये ऐसी रेमेडी है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अब मैं बताती हूँ, अगर आपके मुंह में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तो ये रेमेडी क्या काम करेगी। काफी लोगों के मुंह में से बहुत बदबू आती है, हम उनको टोक नहीं पाते हैं लेकिन हम बात करते वक्त भी बहुत ज्यादा हमें शर्म आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जब भी आपको लग रहा है कि मुंह में से बदबू आ रही है, जिसके भी आ रही है, उनको आपने एक चुटकी पाउडर में पाउडर आपने एक गिलास पानी, गुनगुने पानी में डाल के देना है, घोल के, और बोलना है इसको जाके गार्गल कर लो। गार्गल करेंगे तो मुंह में जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो खत्म हो जाएंगे, पायरिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, दांत में से ब्लड आता है, मुंह में से स्मेल आती है, ये सारी प्रॉब्लम फिटकरी के साथ में दूर हो सकते हैं। तो बहुत मैजिकल पत्थर है भैया, स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड अगर आ रहा है, मान लो कहीं पे कुछ कट वट गया है, शेविंग करते वक्त जेंट्स लोग के कट जाता है, बच्चे खेलते कूदते अगर कट गया उनके, तो तुरंत खून आने लगता है, उसको रोकने के लिए आप फिटकरी को उसके ऊपर रब कर दो, ब्लड आना रुक जाता है। तो ये बहुत चमत्कारी पत्थर है। बस लगाने का, स्किन के ऊपर जब लगाने का तरीका है तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आपने इसको लगाना है, ठीक है जी। होप करूंगी ये रेमेडी भी पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करेगा, शेयर जरूर करेगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, मम्मी मासी ताई सारे नाल शेयर करना और बताना कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं। बाय।